इट्स मी शिवांगी शर्मा और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त और आप लोगों सबका स्वागत करती हूं। और अगर सक्सेस की बात करें तो मुझे लगता है कि इस गेस्ट का नाम सबसे ऊपर आना चाहिए। इतनी ह्यूज फैन फॉलोइंग है इनकी, लड़कों में, लड़कियों में, सब में। लड़कियों में ज्यादा है एक्चुअली, क्योंकि शायद ज्यादा क्यूट और पीपल से दैट यू नो सेक्सी एंड हॉट एंड ऑल दैट। मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक ही इज टू क्यूट। यस, ही वॉज माई फर्स्ट एवर एवर क्रश एंड प्रोबेबली द लास्ट वन एज वेल, क्योंकि इनके बाद में मुझे कभी किसी और के ऊपर क्रश हुआ ही नहीं। राइट, आई वॉज लकी, क्योंकि फिर उसके बाद में हम लोगों ने बहुत ज्यादा साथ में काम किया, सो आई वॉज एक्सट्रीमली लकी। लेट्स वेलकम राहुल वैद्या। ऐसी मुलाकातों में तेरी इन बाहों में दुनिया ये मेरी समाई है, मैं की हुई रातों में प्यारी तेरी बातों में दुनिया ये मेरी समाई। मेरे जहन में इस शो के बारे में एक ख्याल आया। सबसे पहला एक मेरा यू नो एक थॉट था, यू आर द फर्स्ट वन जिसको मुझे अपने शो पर चाहिए। चाहे इवन इफ यू वुड हैव गिवन मी लाइक एक महीने बाद का डेट ना, आई वुड हैव वेटेड फॉर दैट, ट्रस्ट मी। ये शो था, ये इसके इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। See, I think we both have shared a beautiful friend. Yeah. That's the only reason. Yeah. When I stopped doing this show, the first name that came to your mind was me. That makes me very happy. Achha lag raha hai. Thank you. Absolutely, absolutely. And I'm really, really glad ke wo friendship nibhai hai apne. And आई थिंक मैंने जैसे ही आपको बताया, यू वर द फर्स्ट वन हु कांग्रेचुलेटेड मी। इट्स बीन लाइक आइडल को कितना टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 16 टू 17 इयर्स, राइट? 15 इयर्स टू बी प्रिसाइज। आई थिंक 2004 इट स्टार्टेड ऑफ, आई थिंक 2005 तक ये चला। 2005 5th मार्च इट गॉट ओवर। बट उससे पहले ही आई थिंक यू आर सिंगिंग सिंस लाइक योर चाइल्डहुड। नॉट एग्जैक्टली लाइक चाइल्डहुड, बट या द टाइम आई वाज अबाउट 10 इयर्स ओल्ड। ओके। मैंने सिंगिंग शुरू करी थी। हाँ। I am, you know, बहुत सारे लोग ना शिवांगी, they are very good with times and year कि मैंने इस साल ये किया था, उस साल। हाँ। और मैं उतना ही खराब हूँ, मुझे कुछ याद, मुझे ये याद नहीं रहता कि मैंने परसों क्या किया। हाँ। मुझे exactly याद नहीं है, but I think I was 10 years old. And it all started from a place called Uran. So Uran is actually a place near in Navi Mumbai, actually. Okay. Thoda sa aage jagah par. वहाँ पे हम एक कॉलोनी में रहते थे। Okay. और वहाँ पे हर गणेश चतुर्थी पे functions होते थे। तो एक दिन ऐसी मम्मी ने मुझे एक भजन सिखाया था घर पे। एंड उसके पहले की क्विकली बैक स्टोरी बोलूं तो जब मैं बहुत छोटा था तब चित्रहार आता था। हाँ हाँ, I know, वेडनेसडे को मम्मी किचन में खाना बना रही थी, चित्रहार चल रहा था हॉल में, हॉल मैं मम्मी के पास में ही था किचन में, कोई गाना चल रहा था चित्रहार में एंड चित्रहार टीवी बंद हुआ, टीवी बंद की आफ्टर आई वॉज हमिंग द सेम सॉन्ग दैट वॉज यू नो लास्ट। हाँ। तब मम्मी की नजर गई, अरे यार कि यार ये तो गा रहा है, क्या गा रहा है। तो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट रियलाइजेशन दैट माय मॉम एवर हैड दैट आई हैड समथिंग इन मी। ऑलराइट, एंड देन केम टू उरन, एंड ये मैं बात बता रहा हूँ अबाउट मैं 8-10 साल का हो चुका था। इस चतुर्थी पे वन ऑफ द फंक्शंस पे मैंने एक गणपति का भजन गाया एंड लिसनिंग टू दैट, वहां उस एरिया के जो म्यूजिक के टीचर थे कि अरे ये तो अच्छा गाता है, आप इसको सुरेश वाडकर जी के इंस्टीट्यूट क्यों नहीं लेके जाते। तो दैट्स व्हेन माय पेरेंट्स डिसाइडेड चलो आई थिंक वी शुड टेक हिम इंस्टीट्यूट। देन आई वेंट टू मीट माय गुरु सुरेश वाडकर जी, पद्मा वाट हु यूज्ड टू टीच एट दैट पॉइंट एट हिज स्कूल। और म्यूजिक स्कूल में जाने के बाद जब मैंने पहली बार गाना गाया तो सुरेश वाज वेरी इंप्रेस्ड, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सेड कि आई थिंक आप इसको यहीं छोड़ो, आप जाओ इसको थोड़ा
आप डर गए कैसे छोड़ दे हमने बच्चे को। इवेंचुअली तब कुछ नहीं हुआ एंड धीरे धीरे मैंने बॉम्बे प्रॉपर बॉम्बे मुंबई देन कॉलेजेस में गाना शुरू किया एंड आई पुटिंग जिंगल्स जैसे ब्रिटानिया पेप्सी उस टाइम बहुत फेमस होते थे वो ये दिल मांगे मो वो तो एंड देन पार्ले जी एंड बहुत सारे हमने जिंगल्स गाए थे उस टाइम पे सर टू जिंगल्स एज अ चाइल्ड यू नो देन अचानक यू नो जब आई वाज इन कॉलेज सदन अबाउट व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई वाज इन माय 11 खत्म हो चुका था एक्चुअली यू नो शुरू हो रही थी एंड मेरा बर्थडे था 23rd September 2004 एक ट्रक सामने से आया एंड उसमें हुआ था कि अगर आप में है हुनर अगर आपकी आवाज में है हुनर तो आइए हुनर एंड उसके ऊपर बड़े बड़े लेटर्स में ना इंडियन आइडल लिखा हुआ एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नोबडी न्यू व्हाट इंडियन आइडल ऑब्वियसली नेवर बिफोर तो मेरे दोस्तों ने बोला जा आवाज का हुनर दिखा यस एब्सोल्युटली फ्रॉम देयर एंड अमन वर्मा हु वाज एंड मिनी माथुर अमन वर्मा वाज देयर एंड एक जंप द क्यू पास दिया बेसिकली तो ये कि आप जाओगे तो आपको लंबी लाइन में नहीं खड़ा करना पड़ेगा यू डिजर्व दैट एक्चुअली क्योंकि आपकी आवाज में वो दम था इस वजह से यू डिजर्व दैट ओके बट आई थिंक तो वो उन्होंने वो पास दिया एंड देन आई थिंक अबाउट एक दो हफ्तों बाद वो ऑडिशन थी जहाँ तक थे सोनू जी एंड अमन मलिक जी एंड रोल देयर एंड इट वाज जस्ट रिटन इन डेस्टिनी कि एंड यू वोंट बिलीव कि 3 महीने के अंदर अक्टूबर या नवंबर में कुछ शुरू हुआ था वहां से पियानो राउंड्स पहले शुरू हुए एंड देन इवेंचुअली गाला राउंड शुरू हुए एंड मार्च 2005 तो गॉड ओवर 6 महीने के अंदर जेनरली यहां से यहां का जो सफर होता है अब होता है वो एक्चुअली मेरे ना कोई चाहता था ना कोई बुलाता था एंड हम बस ऐसे कभी कॉलेजेस में गा रहे होते हैं कभी यू नो कभी यहाँ गा रहे होते थे वहाँ गा रहे होते लाइक वांटिंग हमारे जो कमेंट्स के नीचे जब जब लिटरली तुम जब रिप्लाई करते हो ना उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ एंड आई लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू इन दैट वे कभी कभी मेरे साथ में भी ऐसा होता है तो मैं भी कभी कभी वैसे रिप्लाई देती हूँ जैसे सपोजिटली लाइक समबडी वाज टेलिंग मी यस्टरडे आर यू सिंगल सो आई जस्ट गिव इट बैक दैट इवन इफ आई एम नॉट यू आर नॉट माय टाइप यू आर राइट सो दैट on Instagram I guess somebody was doing that right so you're not my choice to kya abhi obviously matlab agar aapne single tag laga diya apne upar so everybody will start hitting on you aisa kuch hone wala hai but I think you're beautiful you're hot so I think why not yeah. abhi tak count rakha hai aapne ki aapne kitne shows kiye hain kuch yeah, count hai count nahi kiya maine बट एक बार जब हमने काउंट किए थे तब 1500 से ज्यादा कर चुका था नहीं मुझे लगता है ज्यादा है एक्चुअली क्योंकि आपने बहुत 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 सारे शोज किए हैं हां बहुत थोड़े ज्यादा ही कर दिए हैं बट आई थिंक 1500 करेंगे बिकॉज़ या उससे ज्यादा नहीं करेंगे मुझे थोड़ा सा लगता है कि शायद हो सकता है 2000 प्लस के होंगे नहीं ऑनेस्टली आई हैवंट केप्ट अ काउंट बट देयर वाज वन पॉइंट ऑफ टाइम दैट माय टीम वाज तो बिकॉज़ हमको हमारी शूली बन मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया मुझे वो ना एक प्रोफेशनलिज्म होता है यू नो एक टीम मैनेजमेंट होता है जो मुझे देखने को नहीं मिला जो मुझे लगता था यार ये क्या है ये टीम में झगड़ा हो रहा है इसमें कुछ और है लोग अनप्रोफेशनल बोल रहे हैं ऑल ऑफ दैट इन योर टीम सबको अपना जॉब इतने अच्छे तरीके से पता है कहीं पर कोई गूफ अप नहीं होता ऑन स्टेज सब सब अपने अपने में मस्त है और पता ही नहीं चलता कब 3 से 4 घंटे का शो हो जाता है आई वेल कभी मैंने सोचा नहीं इस बात की हाँ मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने दूर से ऑब्जर्व किया ना हाँ अब भी ना लाइक ए कैमरा पीछे से
तो कभी 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 सोचा है तुमने कि मे बी यू आर इजी टू वर्क विद एंड यू नो? सो मैंने नहीं सोचा कि मैं ऐसा क्यों हूं, क्योंकि क्या है ना कि मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट देखे हैं नखरा करते हैं, ओ गॉड ये चाहिए मुझे, वो चाहिए मुझे, यही चाहिए मुझे, यही रूम चाहिए, यही गाड़ी चाहिए, बट एंड काफी बार होता क्या है कि बिकॉज़ ही वेडिंग्स एंड कॉन्सर्ट्स बहुत सारी चीजें होती है एंड देयर इज अ हाई चांस कि छूट जाए कुछ इज रह गए, फिर वो स्टेज की कोई चीज हो गई, इसकी मेन चीजें जो आती है वो तो तब होती है, बट छोटी मोटी चीजें कभी ग्रीन रूम सही नहीं है, इट्स फाइन राइट, यू शुड हैव, इट शुड हैव अ बिग हार्ट टू लेट इट गो, या दैट्स राइट, आई थिंक वी ऑल हैव बिलीव्ड इन वन थिंग एंड माय टीम, हमने हमेशा एक रूल बनाया है कि कभी कुछ बताओ मत, हां राइट, यू नो एंजॉय योर वर्क एंड गॉट हियर एंड दैट हैड वे ऑफ थिंकिंग एंड I think we've just been sticking to that and that by the 15 years तो जितने भी नए लोग हैं, जितने भी नए लोग एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ सिंगर इन इंडस्ट्री, क्या उनको एक टिप बताओ जरा कि क्या दे सकते हो, वन ऑफ योर बेस्ट टिप, जस्ट बी योरसेल्फ, एंजॉय व्हाट यू डू एंड जस्ट नो दैट लोग आपको सुनने तो आए हैं बट एंजॉय भी करने आए हैं, सो डोंट टेक वेरी सीरियसली, लेट लूज, जस्ट लेट लूज, हैव फन, जॉय, बी पैशनेट, वर्क एंड आई वेरी गुड। अब मुझे आपकी जो फेमस सॉन्ग्स हैं उनके पीछे की जर्नी जाननी है कि हाउ डिड यू गेट दोज सॉन्ग्स एक्चुअली, तो सबसे पहला दैट इज बे इंतहा, so I need to know about that journey. Okay, how did you get that song? Were you the first choice of that, or like how? I think I would like to thank Ramesh ji first because it asked Pritam da to have me sing that song. Yeah. I was in Ahmedabad for a show. I'm sure. Yeah. Ahmedabad mein the. And har din Ahmedabad mein rehne wala. So I got a call from Pritam Dada's team and like we'll send you a track for this and send first and Ramesh ji very, it was very kind of Ramesh actually then unhone kaha ki ek kaam kar ek video bhi shoot kar usko bhi release and we shot a very simple montage on that song and wo humne release kiya and yeah, people loved that song and aaj bhi cast And how about that Bhag Johnny Meri Zindagi song? That is one of my favorite because usme jo high notes hain they are just amazing, huh? Actually, gaana bahut uncha tha wo. Haan, I know. I think that was not your scale, but you made it on your scale. Not my scale at all. It had to be bahut breaks leke humne. Yeah. Ek line, do line, aise aise karke. Again, I think I'd like to thank Bhushan Kumar. They were very, very supportive. Mithun, in fact, on a personal level, has been a big influence in my life. I think the way he creates music is just incredible. And he has a different school. And the human being that he is also is very different. The way from the rat race, and he just. He does what he wants. That's music. Basically music is nothing but a person. He is that person, that's why he creates that kind of song. creates that kind of great party tracks with that is his DNA. He is a guy like that, yeah, right? Yeah. And so that's how you matlab har insaan jo hota hai waise waise ho karega. Haan, haan. And how about your old songs ka collection? You know that they are extremely, extremely famous. There's a company called Shrum Music. So there's a it's actually owned by Deepashri and both of them have been my friends and
दे डू अ थिंग कॉल्ड बॉलीवुड अनवाइंड के वर्जन्स जो आप जिसकी बात कर रहे हो पॉपुलर होते हैं पर मेरे एंड झांसी महबूबा एंड मैंने पूछा चांद से अभी ना जाओ छोड़ के एहसान तेरा होगा मुझ पे लॉर्ड ऑफ द वंस सॉन्ग्स एंड ऑनेस्टली देखो आई थिंक ये हमारे आई थिंक ये सब जो गाने हैं डिफरेंट पे आई थिंक ये 40-45 इयर्स या 50 साल पुराने गाने ठीक है इजीली फिर को गाते हैं सो आई थिंक इट्स अमेजिंग एंड आई एम वेरी क्यूरियस कि क्या हमारे बाद की भी जनरेशन यही गाने सुनेगी या नहीं एंड आई तो इट्स समथिंग व्हिच वी विल हैव टू व्हिच वी विल हैव टू वेट एंड वॉच आई थिंक या आई लव ओल्ड सॉन्ग्स आई थिंक उफ इतने अच्छे सुर होते हैं वो इतना मजा आता है एंड आई रिमेंबर कि आपने आइडल में एक गाना गाया था उसके पहले मुझे वो गाना बिल्कुल पसंद नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि एक तो मुझे शम्मी जी एवरेज लगते थे नॉट माय यू नो टेस्ट एंड ऑल सो एक गाना था एहसान तेरा होगा मुझ पर वो जब से आपने गाया मैंने शायद आपको इस बात पे पहले भी कॉम्प्लीमेंट किया था कि वो इतना खूबसूरत गाना था कि उसके जब से आपने गाया तब से मुझे अच्छा लगने लगा उससे पहले मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगता था एक्चुअली यू आर राइट अ लॉट ऑफ पीपल इन फैक्ट हैव टोल्ड मी दिस कि हमको गाना सबसे पहली बार तो हमने सुना जब आपने गाया हां एब्सोल्युटली हमको पसंद भी तभी आया जब आपने गाया लॉट ऑफ सॉन्ग जैसे बहुत सारे ऐसे गाने होते होंगे जो हमने ओरिजिनल सुना जैसे मैंने बिन तेरे सनम मर मिटे मैं तब ओरिजिनल नहीं सुना था मैंने उसका रीम हां सेम या सेम या तो आई थिंक सिमिलरली लोगों ने एहसान तेरा होगा मुझ पर मेरे से सुना एंड के बाद आई थिंक दे हर्ड द ओरिजिनल बट आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज़ इट्स माय पर्सनल फेवरेट एंड इससे मुझे वो मजा आ बहुत खुश होगा एंड सेम विद अभी ना जाओ छोड़ के Oh, that's my favorite song in the world. I know that. And you've been singing that like you probably in every show. And log itna request karke aapse wo bolte hain ki please please wo wala gana suna do and all that. And you know that aapko industry mein jo peeche bola jata hai wo industry ka SRK bola jata hai singing singers. Yeah, SRK of singers. You know that? really? Trust me. क्योंकि मैंने मैंने शायद पीछे बहुत सारी चीजें सुनी हुई है एंड प्रोबेबली हाँ अच्छी बोलना है अच्छी ही सुनिए क्योंकि अगर खराब मेरे सामने कोई बोलता नहीं था यार बाकी जो गड़बड़ी सुनी ना मुझे फिर फोन करके बोलते नहीं वैसे भी क्या मुझे खराब बोल के उनको वैसे भी अपनी जान थोड़ी ना लेनी है क्योंकि मैं तो सामने चालू हो जाती हूँ जैसे आपका नो फिल्टर्स है मेरा भी ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ है यू नो दैट थैंक यू सी आई लव SRK And I think it is important in today's time to be able to do a few more things than only singing. The world has changed and you be not only a singer, you need to not only be a musician, you need to be a so and you're doing that and not naturally. जैसे ऐसा इंसान हूँ कि मुझे दोस्त बनाना नए दोस्त बनाना लोगों से बात करना अलग अलग चीज के बारे में जानना पेशेंस करना मुझे अच्छा लगता है एंड या प्रीटी मच दैट्स व्हाट आई हैव ऑलवेज लव डूइंग एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई ये इतनी कमाल की क्वालिटी है आपकी जो मैंने इतनी बार कोशिश की है कि मैं भी यू नो कहीं ना कहीं इसमें अगर एक्सपर्ट बन जाती हूँ तो क्योंकि आई रिमेम्बर देयर यूज्ड टू बी टाइम के जब मैं देखती थी कि ये इंसान 24 घंटे में से 20 घंटे एक्टिव रहता है यू नो ये यहाँ पर भी है ये यहाँ पर भी है जिम में भी है शो पर भी है ये यहाँ पर भी है सुबह 4 बजे फिर सुबह 4 बजे की फ्लाइट लेता है फिर 4-5 घंटे सोता है देन फिर शो करता है एंड आई वाज लाइक डूड ये करता कैसे नो गिव मी सम टिप्स ऑन कैमरा ऑफ कैमरा कुछ भी दो प्लीज मुझे टिप्स चाहिए इस चीज को लेकर क्योंकि यार मैं बहुत एंटी सोशल हूँ ट्रस्ट में मतलब मुझे लगता है कि मुझे कहीं पर भी नहीं होना है जब जिम की भी बात आती तो आई फील कि घर पे ही कर लो अच्छा So give me some tips यार इस बारे में दो ये तो बहुत important topic है trust me yeah honestly बताए वो एक वो networking जो चीज होती है हाँ yes that thing वो एक बड़ी natural चीज होती है हाँ या आप वो होते हो या और जब आप अगर नहीं होते हो ना और करने जाते हो तो I think वो बड़ा awkward है ना आपको मजा आता है ना आगे वाले को मजा आता है तो I think it's just you do what you want basically you should be what you are ha
ऑर्गेनिकली होना चाहिए. तो इधर मैंने कहा ना, वो अगर होता है तो होता है या नहीं, एंड इट इज ओनली अ पर्सनल कॉल. एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव, जैसे कि मैंने कहा मैं सिर्फ ऐसा हूँ, मुझे अच्छे वो भी करूंगा. सो आई एम इनटू अ फ्यू थिंग्स एंड आई लाइक इट. That is amazing यार, वो हर किसी के अंदर नहीं होता है, जैसे मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है. आई ट्राइड सो मेनी टाइम्स कि मैं इस पार्टी में जाऊँ या कुछ भी, एंड टाइम पर एक घंटे पहले ऐसा हो जाता है, नहीं अभी नहीं जाना. सो आई डोंट नो, दैट्स व्हाई आई सेड कि प्लीज गिव मी सम टिप्स, बट एज यू सेड कि नेचुरल. एक कोई प्रिंसेस होती है ना, रानी होती है ना, तुम वैसी हो. थैंक यू. एक्चुअली लेट बैक, हाँ जाने दो, काम होना चाहिए बस. कहीं ठीक है, काम वाम करूंगी कभी, थोड़ा बहुत मन करेगा होता है तो ठीक है, वरना आई एम ओके. That's not a good sign. Actually, I need to change myself for this. Actually, मुझे करना पड़ेगा कुछ भी करके. बहुत बार जिम में, शायद जिस जिम में हम दोनों जाते थे, उसमें कुछ लड़कियों को पता चल गया था कि that you're also coming here and you're my friend. वो मुझे बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अटेंशन देती थी. कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि they were like, you know, यार प्लीज़ राहुल से बोल के एक पिक्चर क्लिक करा दे, प्लीज़ ऐसे ऐसे ऐसे. एंड आई वॉज लाइक, यार क्या बात है. इसलिए मैं सोचू स्पेशल अटेंशन क्यों मिल रहा है मुझे इतने दिनों से. I told you, but I think at that time there was some girl, I think Nikki करके एक थी, I think तुम्हारे कॉलेज से, तुमने मिठी बाई से स्टडी किया है, तुमने मिठी बाई से कॉलेज किया है, वो शायद तुमसे एक या दो साल जूनियर थी. And she was telling me, you know, he used to come in my college and I'm so huge fan of him. He's so cute. Trust me. But at that time, you were like continuously, you know, shows. So, iski wajah se shayad, maine ek aadha bola tha aapko. But shayad iski wajah se aisa hota hai na ki sometimes you feel like, acha, theek hai, okay. And I'm sure tumhari itni fan following rahi hai ki uske chakkar pe ek aad bhul bhi gaye honge toh, you know. कितने लंबे टाइम से यार आपकी जर्नी, बहुत लंबी है क्योंकि यू स्टार्टेड सो अर्ली. अभी मुझे आपसे एक ओल्ड नंबर सुनना है, जो भी फेवरेट है. इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो, एक चूज करना. नहीं कोई बात नहीं है, आप बाद में गा सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. इफ यू फील लाइक डूइंग इट देन डू इट. नो आई मीन, बट लाइक ना, कौन सा गाओ ना, ये बड़ा मुश्किल होता है टू चूज अ सॉन्ग. मैं बता दूं, हां एहसान तेरा होगा मुझ पर. एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो, कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छांव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर. ये इंडियन हिस्ट्री में आपसे ज्यादा फेम किसी को किसी रियलिटी शो से नहीं मिली है, यू नो दैट. आई थिंक यू आर राइट, है ना, आई एम राइट नो, बिकॉज़ मैंने शायद इससे पहले, इसके बाद, क्योंकि आई हैव बीन पार्ट ऑफ योर फैन, मैं ही इतनी बड़ी फैन हूँ, थी हमेशा से. इनफैक्ट मेरे घर में मुझे सब बुली किया करते थे आपके नाम पर, हर इंसान बुली करता था, बोलते थे वो तुझसे शादी करने नहीं आएगा, तू उसके नाम का जपना बंद कर. ट्रस्ट मी. God, how sweet है यार. नहीं मैंने कभी नहीं बोली है, बट सी क्या होता है कि लोग ऑफ कैमरा बहुत बार बोल देते हैं, एंड मैं ऑन कैमरा बोलूंगी. एंड मैं, आई एम नॉट वन ऑफ दोज की जो इधर उधर मतलब इसका भी. नो, आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स, ट्रस्ट मी. एंड आई रिमेंबर एक और अनटोल्ड थिंग मैं आपको बताती हूँ कि आई थिंक यू हैड वन कॉन्सर्ट इन ग्वालियर, वेरी इनिशियल डेज, एंड एक जगह थी कॉल्ड सन सिटी, ओके, ये ग्वालियर पे थी, एंड आई थिंक इट वॉज लाइक 2005 में भी, नॉट 6 इवन. तो आपके कुछ मेरे ख्याल से यू नो सिटी टूअर्स और या कुछ भी रहा होगा. सो वहाँ की जो फीस थी, वो एंट्री फीस वो 75 रुपीज. सो पहले मैंने अपनी माँ के पास में जाके बोला कि मम्मी प्लीज 75 रुपये दे दो, 75 रुपये दे दो, क्या करना है कि कॉन्सर्ट में जाना है. तो शी सेड नहीं, मेरे पास में नहीं है.
तो जो भी रीजंस रहे होंगे, बट बड़ा दिल टूटा था मेरा। और उसके बाद में वहां के, वहां से तुम्हारे कॉन्सर्ट से आने के बाद में बहुत सारे लोगों ने मुझे लिटरली मेरे क्लास में टीज किया था। हाँ वो आया था पता है, क्योंकि जिन लड़कों के हाथ में नहीं आती थी वो आके मुझे तुम्हारे बारे में टीज कर रहे होते So I wanted to come just for you. I had a huge, still have crush, but had actually क्योंकि कुछ ज़्यादा ही था। I know you're blushing. You're blushing. मुझे of course I'm being so to hear all this. हाँ so, हाँ you नहीं, but मैं, मेरा हमेशा से एक crush रहे हो आप। और दूसरी बात ये भी कि यू नो बहुत मैं बहुत लकी हूँ एक्चुअली। और वो जो एक वो बात होती है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे मामले में बिल्कुल ठीक होता है कि जिसके व्हेन लाइक यू नो यू आर लुकिंग अप टू समबडी राइट एंड यू आर गेटिंग टू वर्क विद समवन विद द सेम पर्सन राइट। तो ये बहुत आई एम सो 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 लकी एक्चुअली दैट यू आर माई फर्स्ट गेस्ट एंड आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लकी एंड हैप्पी दैट यू नो यू टुक आउट योर टाइम, योर वैल्यूएबल टाइम। And yeah, and seriously, I mean, I don't want to get emotional about it, but I'm really feeling emotional. My journey also, like, you supported me a lot, and support se zyada shayad aapko andar se khud bhi nahi pata ke, you know, in a way, aapne mujhe bahut kuch sikhaya hai. You know, it's all a journey. We all learn from each other. Yeah. Maine kabhi aise koshish kari ki main kuch sikhaun aapko. Haan. Firstly, I think you're very humble to acknowledge that. You're very honest to acknowledge that. Yeah. I've always been very fond of the human being that you are. You're a very, very honest girl. Aur wo dikhta hai aapne. And we all had a ball working together. Humne bahut sare performances kare hain. Alag alag jagahon pe. Kabhi thand, garmi, kabhi, you know, kabhi khushi, kabhi. So I think it's been all so much of fun. And I think, again, thank you for being so kind and thank you for acknowledging everything. Thank you. What do you like in a girl? इसके दो जवाब हैं। एक जवाब जो मम्मी पापा के सामने दूंगा मैं। हाँ। Rise and I like fair girls. हाँ। And then अगर एक honest जवाब पूछो तो I think her backside. Okay. I think the hottest girl around is Jacqueline Fernandez. Ooh. She's so hot. Yes. Hot crush. Who's your crush? My crush is Kiara Advani. Really? So is it like wo shaadi wala crush jo hota hai waisa types? Ki I wish agar isse date karna hota hai and all that. She's the one to date and you know, she's the one to be made. बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी इससे पहले कोई लगा कि नहीं, मतलब अभी की जनरेशन में, उससे पहले की जनरेशन में somebody was like नहीं, I mean no, I think so. I think if Alka would have been younger or Alka ji would have been my age, then I think totally had a crush on her. Really? Yeah, because she's my singer crush, if I may say so. Haan. But like not in any other reason, because I'm a huge fan of her for singing. She's my most favorite in the world. Yeah. But yeah, I think if I was her age or she was my age, I think she. Okay. So singing in studio or singing in singing on stage? Of course, singing stage, singing live. You don't like studios, no? Just for singing song, recording. A little boring. There's more technical. There's no fun. Hmm. Live is one take, right? Jo yeah. Hua wo. जा सकते हो अगर गड़बड़ हुई है. The beauty of being live, right? So much fun to talk to you. I think I've had so much fun. You're a great girl. You're a great spirited. You're a free spirited girl. Thank you so much. Thank you so much, Raul. Thank you so much. Thank you so much for coming on the show.